इस वीडियो से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मोबाइल फोन से YouTube चैनल कैसे बनाएं। साथ ही एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप YouTube से जल्दी पैसा कमाने लगोगे, क्योंकि दोस्तों मैं YouTube से पैसे कमा रहा हूं। अभी आपको सबूत दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार जल्दी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि मैं YouTube रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, यहां पर आप देख सकते हो मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं। मैं यहां पर आपको सिर्फ एक वीडियो की अर्निंग दिखाऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो मेरे इस वीडियो में 2.5 लाख व्यूज है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। दोस्तों इस वीडियो में 2.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज है, मुझे इस वीडियो से इतना वॉच टाइम मिला है और इतने सब्सक्राइबर्स। अब मैं आपको अर्निंग दिखाने वाला हूं। तो यहां पर मैं रेवेन्यू में क्लिक किया तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मुझे इस वीडियो से कुछ इतने डॉलर मिल चुके हैं। अगर मैं इतने डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो कुछ इतने रुपए मैं इस वीडियो से कमा चुका हूं। ये अर्निंग सिर्फ एक वीडियो की है। चलिए अब सीखते हैं कि मोबाइल फोन से अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। YouTube चैनल बनाने के लिए आपको पहले Gmail ID बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ गया मोबाइल की। सबसे पहले आपको YouTube ऐप को ओपन कर लेना है। Gmail ID बनाने के लिए यहाँ पर आपको अपने लोगो पे क्लिक करना है। इसके बाद स्विच अकाउंट में क्लिक करना है। नया Gmail ID बनाने के लिए प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फॉर माय पर्सनल यूज पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, जो भी हो। यहाँ पर क्लिक करके आपको सरनेम लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको अपना बर्थडे सिलेक्ट करना है, तो डे पे क्लिक करके अपना दिन सिलेक्ट कर लीजिए। मंथ में क्लिक करके अपना महीना सिलेक्ट कर लीजिए। ईयर पे क्लिक करके अपना साल सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जेंडर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप मेल हो कि फीमेल हो। इसके बाद नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना Gmail ID बना लेना है। चाहो तो आप अपने नाम से बना सकते हो या फिर किसी और के नाम से। तो यहाँ पर मैं अपने नाम से बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों इस नाम से कोई और अपना Gmail ID बना रखा है, इसी वजह से मेरा क्रिएट नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपका भी क्रिएट ना हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आपको कुछ और अंक टाइप कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पासवर्ड बनाना है। अपना पासवर्ड किसी से मत बताना, कॉपी में लिख लेना ताकि आपको भूले ना। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्क्रॉल करना है, SIM IN पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरी Gmail ID क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मेरी Gmail ID बन चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उसी ID को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपने अभी बनाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद लोगो पे क्लिक करना है। फिर से आपको अपने लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आपको अपना लोगो लगा लेना है। चाहे तो आप अपना फोटो को लगा लीजिए या फिर अगर लोगो बना करके रखे हो तो लोगो का लगा लीजिए। तो दोस्तों मैं फोटो सेट कर लिया हूँ। इसके बाद नेम में क्लिक करके अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने चैनल का नाम लिखना है। चैनल का नाम एकदम अलग होना चाहिए ताकि आपका चैनल जल्दी सर्च में आ जाए। तो अगर आप पहले से सोच करके रखे हो अपने चैनल का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद सेव पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों क्लिक करके आपको अपना हैंडल क्रिएट करना है। हैंडल क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आपको कोई कमेंट करता है तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हैंडल है। अगर आप इसको सर्च करते हो YouTube पर तो उसका चैनल सर्च में टॉप पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक नाम से तो हर कोई चैनल बना लेता है लेकिन हैंडल कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपको अपना हैंडल क्रिएट कर लेना है। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि चैनल मेरा बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों चैनल बन चुका है लेकिन सेटिंग अभी बाकी है। जब तक आप अपने चैनल की सेटिंग नहीं करोगे तो आपका चैनल बेकार है, किसी काम का नहीं है, समझ गए ना। आपको YouTube से पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ पहले चैनल की सेटिंग कर लो। तो चैनल की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ से आ जाना है आपको बैक। अब आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है यूट्यूब डेस्कटॉप। इतना करके आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप पहले से कोई चैनल बना रखे हो तो आपका पुराना वाला चैनल ओपन हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी चैनल नहीं बनाए हो, पहली बार चैनल बनाए हो, तो यहाँ पर आपको अपने लोगो पे क्लिक करना है। इसके बाद स्विच अकाउंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको उस ID को सिलेक्ट कर लेना है जिस ID से आप अपना अभी चैनल बनाए हो। तो मैं यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहीं पर आपको सेटिंग करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को एक भी स्किप मत करना। लेफ्ट साइड कॉर्नर पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये है कुछ सेटिंग जिन्हें आपको करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको जनरल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको करेंसी पे क्लिक करके अपनी करेंसी सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी करेंसी में पैसा चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर US डॉलर सिलेक्ट रहने देता हूँ क्योंकि मुझे डॉलर में पैसा चाहिए। अगर आपको इंडियन रुपीज में चाहिए तो यहाँ पर आपको इंडियन रुपीज पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको चैनल पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना देश सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको
अपने चैनल का कीवर्ड डालना है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, इसी की वजह से उनका चैनल सर्च में नहीं आता है। आपको अलग अलग प्रकार से अपने चैनल का नाम लिखना है। इतना करने के बाद आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, अगर आप बच्चों के लिए मतलब वीडियो बनाना चाहते हो जैसे कॉमेडी वगैरह, तो यहाँ पर आपको एस पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेरे जैसे टेक या फिर गेमिंग एजुकेशन से रिलेटेड आपका चैनल है तो यहाँ पर आपको नो सेट दिस चैनल पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फीचर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको तीन फीचर्स मिलेंगे, जो कि पहला वाला इनेबल हो जाएगा, जैसे आप मेरा देख सकते हो मेरा इनेबल है, दूसरा और तीसरा अभी एलिजिबल नहीं है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपलोड डिफॉल्ट्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि मेन सेटिंग यहीं पर है। टाइटल पर आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है, यानी कि अपने बारे में लिखना है कि आपका चैनल किस टाइप का है, आप अपने चैनल पर क्या वीडियो अपलोड करोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको विजिबिलिटी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अनलिस्टेड पे सिलेक्ट कर लेना है। जब आपकी वीडियो अपलोड हो जाया करे तभी आपको पब्लिक पे सेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ टैग डालना है, यानी कि आप किस टाइप की वीडियो बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार का कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ YouTube चैनल कैसे बनाएं, एक ये वाला कीवर्ड ऐड कर देता हूँ, और दूसरा YouTube से पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि मैं ये भी सिखाता हूँ। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से अपने टॉपिक से रिलेटेड ही कीवर्ड ऐड करना है, ऐसा नहीं कि आप मेरा कॉपी कर लो, 8-10 कीवर्ड ऐड कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर आपको लाइसेंस पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी पे सिलेक्ट कर लेना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोग को यहीं पर होती है कि वो चैनल तो बना लेते हैं लेकिन अपनी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। टेंशन मत लो, आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। देखो यहाँ पर आपको इतनी कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको कॉमेडी वीडियो बनाना है तो कॉमेडी में सिलेक्ट कर लेना, अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एजुकेशन पे सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप मेरी तरह टेक से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका ब्लॉग का चैनल है तो यहाँ पर आपको पीपल एंड ब्लॉग्स पे सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप जानवर से रिलेटेड वीडियो बनाते हो जैसे किसी जानवर के बारे में बता रहे हो सिखा रहे हो तो यहाँ पर आपको पेट्स एंड एनिमल्स पे सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप किसी खेल के बारे में मतलब सिखा रहे हो जैसे मैच कैसे खेला जाता है, फुटबॉल कैसे खेला जाता है, कबड्डी कैसे खेला जाता है, तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका चैनल न्यूज से रिलेटेड है जैसे आप कोई खबर बता रहे हो तो यहाँ पर आपको न्यूज एंड पॉलिटिक्स पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका गेमिंग का चैनल है तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेमिंग का ऑप्शन है, आप इस पर सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों मैं सारी कैटेगरी बता दिया हूँ। अब यहाँ पर आपको वीडियो लैंग्वेज पे क्लिक करना है। आपको वीडियो का लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कि आपकी वीडियो किस लैंग्वेज में रहती है, तो मेरी वीडियो हिंदी में रहती है तो मैं हिंदी पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कि आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में रहता है, तो मेरा हिंदी में रहता है तो मैं हिंदी पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो पर कमेंट्स आए तो आपको ऑन पे सेट करना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो पर कमेंट्स ना आए तो आपको ऑफ पे सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी वीडियो की जितनी भी लाइक है कोई ना देख पाए तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो में जितनी भी लाइक हो आपकी ऑडियंस देख पाए तो यहाँ पर आपको अनटिक कर लेना है। इतना करने के बाद ये जो चार सेटिंग है इनको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करके सेव कर देना है। अभी जाओ मत, एक सेटिंग और बाकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांडिंग में क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं प्रोफाइल पिक्चर तो लगा लिया हूँ लेकिन बैनर अपलोड नहीं किया, अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लेता हूँ अपना बैनर। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल फोटो का बैनर बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद डन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर है वीडियो वाटरमार्क, अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी वीडियो कोई यूज ना कर पाए, आपकी वीडियो में वाटरमार्क रहे, तो यहाँ पर आपको अपलोड पे क्लिक करके कोई एक इमेज अपलोड कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पर दोस्तों बेसिक इन्फो पे ध्यान देना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऐड लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो तो अपने प्रोफाइल का लिंक दे सकते हो। कैसे, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जिसका लिंक देना हो सबसे पहले उसका टाइटल देना है। तो जैसे मैं इंस्टाग्राम का देना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करके इंस्टाग्राम ये लिख लिया मैंने। इसके बाद URL पे क्लिक करके यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल का लिंक दे देना है। अगर आपको नहीं पता कि लिंक किस तरीके से देना है तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आ जाना बैक, इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है, अपने लोगो पे क्लिक करना है, शेयर प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपी लिंक, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पेस्ट कर देना है। फेसबुक का ऐड करना चाहते हो तो इसी तरीके से टाइटल देना है, फिर आपको URL देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको एक Gmail ID दे देना है ताकि आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सके ब्रांड प्रमोशन के लिए। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर देना है। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके से अपना चैनल बना लिए हो तो अब आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि YouTube से जल्दी पैसे कैसे कमाएं। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि मैं बताऊंगा। तो देखो अगर आप वीडियो डाल डाल के थक चुके हो
आप अभी तक YouTube से पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो आप ये वाली वीडियो देखना। अगर आप पहली बार चैनल बनाए हो, आपको कुछ भी नहीं पता कि YouTube से पैसे कैसे कमाएं, तो आप ये वाली वीडियो देख लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर हमसे बात करना हो कुछ भी पूछने के लिए तो ये रहा Instagram ID, आप जा करके SMS कर सकते हो। चलिए मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।